लखनऊ में 14 घंटे से बारिश, सड़कें तलापनी, स्कूलों में छुट्टी, कानपुर में जलभराव में डूबकर एक की मौत, मिर्जापुर में स्कूल कैंपस में गिरी बिजली, यूपी में लौटता मानसून जमकर बरस रहा है। लखनऊ में 14 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, कभी तेज कभी रिमझिम। शहर के पौश इलाकों की सड़कों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। ज्यादातर कॉलोनियों में पानी घरों में घुस गया। मुख्य सड़कों पर जलभराव के कारण भीषण जाम है। कैब सर्विस का सिस्टम ध्वस्त हो गया, लोग अपने घरों में कैद हो गए। लखनऊ के अलावा कानपुर में रविवार से बारिश का दौर जारी है। यहां ब्रह्मा स्टील चौराहे के पास जलभराव में एक व्यक्ति की लाश मिली है। आशंका है कि जलभराव में डूबने से मौत हुई है। मुरादाबाद में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। लखनऊ के अलावा मुरादाबाद और बाराबंकी में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं मिर्जापुर में नवोदय विद्यालय कैंपस में बिजली गिरने से 7 बच्चे बेहोश हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारिश के चलते इटावा में नेशनल हाईवे धस गया, यहां 8 बड़े स्लैब समेत मिट्टी सर्विस रोड पर गिर गई। मौसम विभाग ने सोमवार को लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर समेत 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 7 दिन तक ऐसी ही बरसात होगी। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में बनने वाला नया साइक्लोन है। बारिश ने राजधानी की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है, जगह जगह जलभराव है। लखनऊ डीएम ने लोगों से बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। मंडल कमिश्नर रोशन जैकब भी जलभराव का जायजा लेने के लिए आशियाना पहुंची। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।